2615 उम्मीदवारों के भविष्य पर जनता आज मुहर लगाएगी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा सुबह सुबह वोटिंग करने पहुंचे। इसके अलावा डॉक्टर प्रकाश राज को भी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते देखा गया। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम 6 बजे तक मतदान होगा। पूरे राज्य भर में आपको बताएं 60,000 पोलिंग बूथ लगाए गए हैं। लगभग बीजेपी जहां सत्ता में दोबारा काबिज होने के लिए सोच रही होगी, वहीं 2024 आम चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये चुनाव हर लिहाज से अहम है। यह पहली बार होगा जब घर से भी आप वोट डाल सकेंगे। ये सुविधा 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए शुरू की गई है। तो दक्षिण के इस दुर्ग पर विजय पताका किस दल का होगा, आज उसका फासला वोटों के जरिए हो जाएगा। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कर्नाटक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं बीएस येदुरप्पा, जो सुबह सुबह ही पहुंचे पोलिंग बूथ पर। उन्होंने वोट डाला, मतदान किया। ये तस्वीरें सामने आई हैं। अभी सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हुई है। ऐसे में बीएस येदुरप्पा की तस्वीरें आपको बता दें कि वो सुबह सुबह ही वोट डालने पहुंचे पोलिंग बूथ पर। तो क्या बीजेपी दोबारा से कर्नाटक की सत्ता पर काबिज होगी या फिर कांग्रेस करिश्मा दिखाते हुए सत्ता में आएगी? जेडीएस का क्या होगा? ये सारी सवाल जो हैं वो फिलहाल आपको बता दें, आज उन्हीं सवालों का जवाब जनता अपने वोट के जरिए, मतदान के जरिए बंद कर देगी, ईवीएम में दर्ज कर देगी। और ये दर्ज हो जाएगा कि किस पर जनता अपनी मुहर लगाती है या किसे सत्ता से बाहर गिराती है। ये तस्वीरें सामने आ रही है। बीएस येदुरप्पा कर्नाटक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और खासतौर पर कर्नाटक राज्य में आपको बता दें अहम ओहदा इनका रहा है, खासतौर पर राजनीतिक दल में। इनके बेटे इस बार चुनावी अखाड़े में उतरे हुए हैं। उनके किस्मत का भी फैसला जनता जनार्दन जो है बीएस येदुरप्पा के बेटे के किस्मत का भी फैसला आज करेगी वोटिंग के जरिए। ये तस्वीरें, हालांकि सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हुई है और ये दिग्गज नेता बीएस येदुरप्पा पहुंचे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि एक्टर प्रकाश राज को भी लाइन में लगते देखा गया। अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे वो, ताकि वो भी वोट डाल सके। आमतौर पर सुबह का समय जो होता है, आपको बता दें लोग सुबह का समय निकालकर वोटिंग करने निकल जाते ताकि ज्यादा भीड़ उन्हें ना देखनी हो और आसानी से अपनी बारी का इंतजार करते हुए वो वोट डाल सके। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें बीएस येदुरप्पा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और काफी अहम चेहरा है देखिए राजनीतिक दल का। कर्नाटक राज्य में बीएस येदुरप्पा के बगैर बीजेपी पार्टी को सोचना, बीजेपी खुद भी नहीं सोचेगी बीएस येदुरप्पा के बगैर। काफी अहम चेहरा है बीजेपी खेमे का और इस बार आपको बता दें इनके बेटे जो है वो चुनावी अखाड़े में है। तो सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। जनता जनार्दन, लगभग 60,000 जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं कर्नाटक भर में, पूरे कर्नाटक राज्य में, वहां पर ये जनता जो है आज वोट करने पहुंच रही है। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है और आपको बता दें शाम 6 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से ये अपील की कि लोग घरों से बाहर निकलें और जाकर अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करें। और सीधे रुख करते हैं हमारी सहयोगी नेहा हिबालिका, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं कि किस तरीके से पोलिंग बूथ पर आपको बताएं कैसी चहलकदमी लोगों की देखने को मिल रही है। तो नेहा, सबसे पहले 7 बजे से ही वोटिंग तो शुरू हो चुकी है, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार देखिए जब तक चुनाव प्रचार चल रहा था कई ऐसे तमाम मुद्दे थे नेहा, चाहे मुस्लिम कोटा हो और आखिरी में एक फिल्म आई उसको लेकर भी राजनीति काफी चरम पर रही,
तो जनता जनार्दन का मूड मीटर क्या कहता है, वो अपने दिलो दिमाग में वो कौन से सब्जेक्ट कौन से विषय लेकर पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर और अपना मतदान करेंगे वोट डालेंगे। नया जी बिल्कुल, देखिए इस बार जो इलेक्शंस हम देख सकते हैं स्टेट में उसमें काफी मुद्दे हैं जिस पे लोग आज वोट करने वाले हैं। जैसे कि आपने काफी इमोशनल इश्यूज यहाँ पे मेंशन किया, वैसे ही इनफैक्ट बहुत डेवलपमेंटल इश्यूज भी है। हम अगर अभी आपको बता दें, हम यहाँ पे है जयनगर में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत लोग आए हैं जिन्होंने अभी ऑलरेडी उनके वोट को कास्ट किया हुआ है। हमको अभी ये भी जानकारी आ रही है कि निर्मला सीतारमन यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर भी आज आए हुए हैं यहीं पे उनका वोट इनफैक्ट कास्ट करने के लिए। ऐसे टाइम पे हम बिल्कुल कोशिश तो करेंगे कई लोगों से बात करने की और समझने की कि क्या एग्जैक्टली इश्यूज है इस बार। सर हाय, इफ आई कैन जस्ट आस्क यू, यू नो व्हाट आर द पीपल ऑफ बैंगलोर एंड कर्नाटका वोटिंग फॉर दिस टाइम अराउंड एज दे गो इन टू द इलेक्शंस? सर मैडम, दिस इज द वेरी क्रूशियल पीरियड बिकॉज इन अनदर वन ईयर द एमपी इलेक्शन इज ऑल्सो कमिंग। The state is which party is owned in Karnataka? Same the MPs in Lok Sabha election also capturing that post. That's also one of the main reason. Second one is today the Karnataka. In India, number one or two places are in the development and other activities. That will maintain same in the Karnataka. You must choose very good government in Karnataka. That's why this election is very crucial. Sir, if I can ask you also a question now, it's been 40 years since Karnataka had one party coming in full majority. Is that going to change this time around? It will come. The one party will come this time. Okay. Definitely. Confident. Yeah, confident. Okay. All right.